रुक करते हैं प्रदेश की गतिविधियों की ओर। भारतीय विद्यापीठ स्कूल बैजनाथ की छात्रा ने प्लस टू साइंस संकाय मेरिट में नौवां स्थान लेकर प्रदेश भर में बैजनाथ का नाम रोशन किया है। स्कूल के निदेशक नवनीत डोगरा ने बताया कि स्कूल में हर बार की तरह इस बार भी स्कूल की छात्रा निवेदिता रिहाल ने 484 अंक लेकर प्रदेश भर में नौवां स्थान हासिल किया है। भारतीय विद्यापीठ के निदेशक नवनीत डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में हर वर्ष की तरह इस बार भी स्कूल की छात्रा निवेदिता साहिल ने 484 अंक लेकर प्रदेश में नौवां स्थान हासिल किया है। नवनीत डोगरा ने बताया कि सभी बच्चों को समान पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे काफी मेहनत करते हैं और इसका सारा श्रेय छात्र, अभिभावक तथा मेहनती अध्यापकों के योगदान को जाता है। उन्होंने बच्चों की इस उपलब्धि पर अभिभावकों तथा स्कूल अध्यापकों को बधाई दी तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आज ये बहुत सौभाग्य की, बहुत खुशी की बात है कि भारतीय विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हमारी एक बच्ची निवेदिता रिहाल, जिसके कि 484 मार्क्स लेके 9th पोजिशन पूरे हिमाचल में उसने ली है, और भारतीय विद्यापीठ का मेरिट से बच्चों को आने का सिलसिला निवेदिता ने जारी रखा है। इसके लिए मैं निवेदिता, उसके मम्मी पापा और खासकर विद्यालय के जो अध्यापक हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत बच्चों को करवाई है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही पूरे हमारे बैजनाथ क्षेत्र के लोगों का भी बहुत सहयोग है, और उनको भी मैं इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। प्लस टू साइंस स्ट्रीम की परीक्षा में प्रदेश भर में नौवें स्थान पर रहने वाली निवेदिता रिहाल ने बताया कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए स्कूल के बाद 5 घंटे और परिश्रम कर ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि वे उपमंडल के चौबू गांव की रहने वाली है और उनके पिता विजय रिहाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुलाना में बतौर इंग्लिश लेक्चरर हैं तथा माता अंजना राणा निजी स्कूल में अध्यापिका हैं तथा वे प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हैं। My name is Nivedita Rihal and I have achieved 9th position in Himachal Board, 12th class. I want to be an administrative officer, or that is IAS officer. और इसका श्रेय किसको देते हो आप? School management, my teachers, my parents and my hard work. कितने घंटे पढ़ाई करते थे? Every day after school, 4 to 5 hours. कहीं coaching ली थी आपने? No, extra classes लेते थे? No. School के ही? Only self-study in school.